जनपद गाजियाबाद के थाना मुरादनगर के गांव सहब बिस्वा से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार असलम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गांव के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। असलम खान ने बताया कि वह समाज सेवक है, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए प्रधान पद के लिए ग्रामवासियों ने मुझे चुना और कहा कि आप जैसे युवा नेताओं की हमारे गांव को जरूरत है। जैसे आपने लॉकडाउन में ग्रामवासियों की मदद की है, तभी से आप हमारे दिल के नजदीक आ गए हो। आज तक सहबिस्वा गांव में ऐसा कोई भी विकास नहीं हो पाया है जिसमें लोग संतुष्ट हो सके। नाली और खड़ंजे में ऐसे ही पानी भरा रहता है। अगर गांव वासियों ने मुझे प्रधान बनाया तो मैं गांव का चहुमुखी विकास करूंगा। ऐसे में लोगों से वादा करता हूं, ऐसा असलम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब देखना यह है कि असलम खान भी प्रधान बनने के बाद विकास कार्य करते हैं या अपने घर पर अवकाश करते हैं। युवाओं का कहना है कि असलम खान सहबिस्वा के युवाओं के दिल की धड़कन है और हम असलम खान को ही प्रधान पद के रूप में देखना चाहते हैं। आपका नाम? असलम खान जी। आप कहाँ से निवासी हैं? निवासी प्रॉपर ही हम तो मुरादनगर से हैं, जिमीदारा पठानों पे रहा, पहले से 700 साल हो गए यहीं रहते हुए। जी आप जैसे चुनाव, ग्राम प्रधान के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप आए हैं, तो आपका क्या क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने के लिए, क्या क्या? देखिएगा, ये चुनावी जो जनसभा है इसमें लग रहा है कि 1 साल तक प्रधानी रहेगी, तो मेरा जो एजेंडा है वो यही है कि इस सहबिस्वे का दिल से विकास हो, और दिल से विकास वो करेगा गर्जी या दर्दी, तो मैं गर्जी भी हूँ दर्दी भी हूँ, क्योंकि मैं यही रहता हूँ, इन गलियों में घूमता हूँ फिरता हूँ, खेत खलियान छोटे मोटे अपनी डेयरी सब कुछ यही है, तो मुझे बहुत दर्द है, इस वजह से मैं प्रधानी में कूदा हूँ और दिल से इंशाल्लाह इस सहबिस्वे का विकास करूंगा। तो विकास में कुछ मुद्दे ऐसे हैं आपके जिन्हें लेके आप प्रधानी में उतरे हैं? हाँ, बहुत ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ तो गंदगी इतनी जबरदस्त है कि जिससे बीमारियां अनेक हो रही हैं, इसमें जितने कर्मचारी बहुत कम हैं, मैं कर्मचारी बढ़ाऊंगा, और जितनी भी गंदगी है इसे गंदगी को साफ करने का, जैसे एक बहुत गंदा खरंजा है उसमें पानी का विकास नहीं है, मैं उसे सबसे पहले मुद्दा मेरा हुआ है, मैं उसे निकालूंगा, और बच्चों के लिए शिक्षित का बड़ा मामला खराब है यहाँ, कोशिश करेंगे यहाँ सरकार से दरखास्त करेंगे यहाँ कि यह इन्हें स्कूल जो है शिक्षित के लिए एक स्कूल हमारा इंटर कॉलेज दिया जावे। यहाँ जैसे यहाँ पे आपके युवा हैं, उनके लिए रोजगार के लिए भी आप कुछ करने के लिए कहेंगे? युवाओं के तो खैर रोजगार करेंगे, लेकिन यहाँ इस सहबिस्वे की एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की जो लेडी है वो लेडी खेत खलियानों में काम करती है, तो मेरी दिले तमन्ना यह है कि लेडी के लिए मैं सबसे पहले रोजगार का प्रबंध करूं। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं खुद युवा हूं, युवाओं से कहना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है कि तुम मुझे प्रधानी दो, मैं तुम्हें इंशाल्लाह दिले जान से कह रहा हूं, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, और एक बात मैं अपनी रखूंगा कि ऐसे अविश्वास मैं वाकई शर्मिंदा हूं, और तेरे लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा जरूर, इसलिए ही मैं जिंदा हूं। आप हमेशा समाज सेवक करते आए हैं, और इसमें आपको एकदम प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए आपको चुना जा रहा है, जैसे जनता चुन रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या है आपके मन में जो आप सेवा ऐसे भी कर सकते थे लेकिन आप प्रधान बन के ही सेवा करना चाहते हैं? सेवा तो हमारा खानदानी धर्म और परंपरा रही है, परिवार सदा से सेवा करता रहा है, और पदों से अलग सदा सेवा करी, जैसे रास्ते कई हमने खुलवाए, और नगर पालिका में भी जहां बड़े बड़े नेता फेल हो गए वहां हम अपनी जमीन में से रास्ते खुलवाए और अपनी जमीनें दी हमने। अभी सहबिस्वे में यहाँ पे कब्रिस्तान बने, उसमें हमने अपना पूरा पैसा दिया, जमीन दी, सहयोग दिया, और रहा अब सेवा करने का है, लेकिन मैं भी एक ठप्पा चाहता हूँ, ठप्पे से मैं समझ रहा हूँ कि प्रधानी का एक ठप्पा लगेगा मेरे पे, तो मैं कहीं ना कहीं जनता की ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाऊंगा। जैसे कि भी आपने बताया कि आप एक खानदानी मालदार हो, खानदानी पैसे वाले हो, तो आपने प्रधानी को ही क्यों चुना? प्रधानी की स्टार्टिंग है मेरी, अभी थोड़ी एज कम है, मैं चाह रहा हूँ स्टार्टिंग जो है कहीं ना कहीं प्रधानी से होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानी एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है, इससे लगता है कि जनता क्या चाहती है, क्या करवाना चाहती है, एक नॉलेज मिलती है इससे, तो मेरा यह है कि भाई प्रधानी से मेरी राजनीति की स्टार्टिंग हो। कहीं ना कहीं आप प्रधानी को बड़ी राजनीति के रूप में एक शुरुआत मान रहे हो? हाँ जी। चली थी हेपेटाइटिस सी के नाम से, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? महामारी वाकई चली, मैं बड़ा दुखी हूँ, बस मैंने उसमें हालांकि खुद भी खड़े होकर मेडिकल करवाई, मेडिसिन दिलवाई लोगों को, पर बड़े दुखी वाली बात है, यहाँ का जो पानी है उसका रीजन यह है, पानी यहाँ का हमारे बहुत गंदा है, इसके लिए सपा सरकार थी, उसके लिए हमने
एप्लीकेशन दे दी और टंकी बनी। अब वो सरकार चेंज हो गई, उसकी वजह से टंकी रुक गई। तो इंशाल्लाह सबसे पहले जो टारगेट रहेगा हमारा पानी पे रहेगा। हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि इस टंकी को चालू हो और ये महामारी से हमारी जनता बचे। कहाँ से हो आप? मैं प्रॉपर से विश्वास से हूँ। जो यहाँ पर ग्राम पंचायत प्रधान पद के जो प्रत्याशी है कौन है? ये असलम खान है, सहविश्वास। तो आप किस प्रधान जी का चुनाव लड़ा रहे हो, किसे पसंद करते हो? असलम खान जी को इस सहविश्वास से प्रधान बनाकर रहेंगे इंशाल्लाह। क्या कारण है कि इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो आप? कारण ये है, ये जो असलम खान है शुरू से ही गरीब लोगों की, सबके जो बुजुर्ग हैं वैसे लोग हैं, उनकी शुरू से ही मदद करते हुए आए हैं और हमारे सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और भी प्रत्याशी आएंगे मैदान में, इन्हीं को चुन रहे हो आप? ये प्रत्याशी नहीं, ये हम लोगों ने, हमारे पूरे समाज ने इन्हें दिल से चुन लिया है। तो क्या उम्मीदें रखते हो आप इनसे? हमारा ये उम्मीद यही है कि हम लोगों की नाली खरंजे, जैसे पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, हमें लोगों को सरकारी जो अफसर है उन लोगों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन हमें इनसे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह ये काम भी जरूर कराएंगे। जैसे कि अभी कोरोना काल चला है पीछे, तो उसमें भी इन्होंने लोगों की मदद की। कोरोना काल में इन्होंने लगभग हर घर तक राशन पहुंचाने का काम किया है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।